हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सहर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए कि अब आप लोग ढूंढ रहे हैं, अपनी सर्चेज में डाल रहे हैं सितारा यासीन कहाँ गई, सलमा यासीन कहाँ गई, मुस्तफ़ा साजिद कहाँ गया, नैना को क्या हुआ, तो आप ज़रा गौर से सोचिए कि ये सब किसने किया है। मैं बेबो आंटी से पूछना चाहूँगी, आपको क्या मिला इतनी एक बात का बतंगड़ बनाकर, इज्जत किसी की उछालना, इज्जत किसी की कहीं की रहने ना देना, इतनी वीडियोस बनाना इतनी वीडियोस बनाना कि नैना ने खुदकुशी करने का अटेम्प्ट कर लिया। आप लोगों को मैं यही कह रही हूँ, किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, लोगों की जहनी दिमागी तासुरात को नहीं छेड़ा करें, मत ऐसी चीज़ें किया करें। मेरा आप सबके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि खुदारा सदारा के ऊपर ही वीडियोज़ बनाना बंद कर दें, उसके भी घर वाले हैं, उसके भी बच्चे हैं, पहले ही एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना चुके हैं जिन्होंने आपस में ख़ानदानों में लड़ाइयाँ करानी थी और वो अभी भी वीडियोस बनाती जा रही हैं। हाँ, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और शायद वो खुद ये बात समझ जाएंगी कि पहले वो जाती हैं अफसोस करने के लिए बेबी का, फिर वो जाके नैना के कान भरती हैं, इस पॉइंट तक लड़ाई कराई, इस पॉइंट तक लोगों के दिमागों के साथ खेला करा दी, घरों के साथ खेला कि उस बच्ची ने, छोटी सी लड़की है वो, उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर दिया लाइव आकर। फिर आप कहते हैं कि ये ड्रामा है, ये है, ये वो है, वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, तो क्या आप ठीक हैं? आप इस बारे में इन घरों के साथ खेल, इस वीडियोस बनाना बंद कर दें, इस टॉपिक को छालना बंद कर दें। मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, किसी के जहन के साथ इतना नहीं खेलें कि वो मजबूर हो जाए कि वो बनाना बंद कर दिए। तो काफ़ी ख़वातीन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं अपने व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए, ठीक है कमाएं अच्छी बात है, लेकिन किसी के जहन के साथ मत खेलें। आप कल लाइव आकर, काफ़ी ख़वातीन आकर ये नहीं है कि जी जो दिखाया जाता है वीडियो पर वही सच और वही हकीकत, यानी कि जो हम आपको दिखा रहे हैं वही आपने यकीन करना है, कैमरे के पीछे क्या होता है आपको क्या पता, तो आपका हमें क्या पता कैमरे के पीछे क्या बात कर रही हैं और क्या नहीं है। तो बस कर दें, अगर आप लोगों को पहले व्यूज़ देते हैं यानी कि आप देखते हैं उनकी वीडियोज़, इसका मतलब है कि आप उनको इनकरेज कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, उसने कभी अपने किसी व्लॉग के अंदर कोई ऐसी फहाशी नहीं दिखाई, उसने कभी कोई ऐसी चीज़ है, उसने कोई गलत वीडियोज़ कभी नहीं बनाई, उसने कोई ऐसी कभी बात नहीं की, सच बोलती है, सच का साथ देती है, सबके साथ अच्छा करती है। उसकी गलती ये है कि वो हमेशा आप सबको अपने की, उसने कोई पूरा यकीन है कि सितारा वापस आएगी, सितारा इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रांग वापस आएगी और आप सबको बताएगी और आप सबको दिखाएगी कि हकीकत क्या है, क्योंकि आप बाज आना नहीं है। तो मेरी आप सब के लिए सिर्फ दुआ है कि आप लोग खुश रहें आबाद। सिर्फ ये कहूँगी कि मुझे पूरा यकीन है कि सितारा वापस आएगी, सितारा इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रांग वापस आएगी और आप सबको बताएगी और आप सबको दिखाएगी कि हकीकत। बस आखिर मैं वीडियो को एंड करूँगी, वहाँ पे क्लिप एंड हो गई थी, थोड़ा सा मैंने कुछ बोला था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका ना। ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा, ख़ासतौर पर सितारा और उसके ख़ानदान के लिए दुआ कीजिएगा, वो कायम रहे, वो बढ़ता रहे और वो वापस आए, अपनी वीडियोस बनाए, अपने बच्चों के फ्यूचर पे फोकस करे और सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और प्लीज़ और वीडियोस किसी के ख़िलाफ़ बनाना बंद करें इस प्रोपेगेंडा को, ताकि हम यहीं भी ख़त्म करें। ये किसी की फैमिली का सवाल है, किसी के बच्चे हैं, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।